नमस्कार, मैं पल्लवी सरीन, स्ट्रेट लाइन लेखा जोखा में आज कोरोना वायरस की अपडेट लेकर हाजिर हूँ। ऑलरेडी 2 पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं और उसके अलावा 1 हाई वायरल लोड केस जिसके बारे में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट रोहित कंसल ने ट्वीट किया है। ये कहा है कि सऊदी अरब की हिस्ट्री वाला एक शख्स है जिसमें हाई वायरल लोड पाया गया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन पॉजिटिव कोरोना वायरस केस की नहीं मिली है। उसके अलावा 176 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सर्विलेंस का पीरियड कंप्लीट कर लिया है और उसके अलावा 2478 ट्रैवलर्स और वो लोग जो कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस के लोगों के कांटेक्ट में आए थे उन लोगों की सर्वेलेंस, वो लोग अभी भी सर्वेलेंस में हैं। उसके अलावा 2095 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त होम क्वारंटीन है। ये ऑफिशियल डेटा है। मैं आपको साथ ही में ये बता दूं कि हॉस्पिटल में जो लोग क्वारंटीन है उनकी तादाद इस वक्त 29 है और 178 ऐसे लोग हैं जिन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। और ये भी बताया गया है कि 106 सैंपल्स भेजे गए हैं टेस्टिंग के लिए, जिनमें से 98 नेगेटिव निकल आए हैं और केवल 2 ही टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। अभी तक 6 केसेस की रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है, अभी तक पेंडिंग रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। उसके अलावा जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग जगह पर जम्मू में रेस्टोरेंट्स, ईटरीज, स्विमिंग पूल, जिम्स, ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। डीसी जम्मू ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें ये भी कहा कि कोई लंगर, कोई प्रोटेस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर गैदरिंग हो वो नहीं होगी 31 मार्च तक। ये सारे प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि जिस तरह से कोरोना वायरस एक एपिडेमिक की तरह, एक पैंडेमिक की तरह फैल रहा है, वैसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर में ना बने। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी तक इतने केसेस पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं, उसके बावजूद भी चूँकि देश भर में कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है और देश भर ही नहीं दुनिया भर में भी अगर आप देखें तो कोरोना वायरस फैल रहा है, उसकी वजह से ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए हैं। हालांकि जो होटल ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि बंद करने की वजह से उन्हें बहुत नुकसान झेलने को मिल रहा है और अगर बंद हो जाएगा सब कुछ 31 मार्च तक तो उन्हें बहुत परेशानी आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये किया क्यों जा रहा है। उनका ये कहना है कि अभी तक तो कोरोना वायरस के इतने पेशेंट्स भी जम्मू कश्मीर में नहीं हैं और सरकार बार बार ये कह रही है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आखिर ये मेजर्स क्यों लिए जा रहे हैं। तो मेजर्स इसीलिए लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस जिस तरह से इटली में फैल रहा है, तो मालूम होगा इटली में शुरुआत में 5 केसेस से ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आज वहाँ पर लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अगर श्रीनगर में पार्क्स बंद किए गए हैं, जम्मू की बात करें तो यहाँ पे शॉपिंग सेंटर सब कुछ बंद कर दिया गया है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद कर दी गई हैं, तो वो इसीलिए बंद किए गए हैं ताकि जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल रहा है उसी तरह से यहाँ पर ना फैले। साथ ही में स्क्रीनिंग भी हो रही है। जहाँ हम बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी की, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ पहुँचती है, इसलिए श्री माता वैष्णो देवी के बारे में भी एक एडवाइजरी आई है। उस एडवाइजरी में कहा गया है कि जितने भी NRIs हैं या फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो 28 दिनों तक कम से कम श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए ना जाएं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स भी हैं, लोकल्स हों चाहे नॉन लोकल्स हों, वो लोग भी अगर उन्हें फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, कोल्ड है, बुखार है, खांसी है, तो वो तब भी श्री माता वैष्णो देवी के भवन तक ना पहुँचे ताकि जो बाकी श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। स्क्रीनिंग भी वहाँ पर डेस्क बनाए गए हैं जहाँ पर आप बता देते हैं कि आपकी कहाँ की ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या आप जितने भी कोरोना वायरस अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनमें से किसी भी कंट्री में रिसेंटली गए थे, आप वहाँ पर सेल्फ डिक्लेयर कर देंगे। और साथ ही साथ स्क्रीनिंग का भी प्रोसेस वहाँ पर चलता है। अब जब आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपको वहाँ से जाने दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी तक 2 ही पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के पाए गए हैं और वो दोनों भी जम्मू में ही पाए गए हैं। अभी तक भी कश्मीर से कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। बहुत सारे मेजर्स तो लिए गए हैं, लेकिन आज भी ये देखने को, ग्राउंड लेवल पे ये देखने को मिलता है कि कई ईटरीज, कई रेस्टोरेंट्स तो बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जगह पर कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स हैं या कोई कोई मॉल्स हैं वो अभी भी खुले हुए हैं। तो ये कोशिश रहेगी, मैं तो चाहूँगी कि जो DC जम्मू है इसका जल्द से जल्द नोट लें और ये ध्यान दें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। साथ ही आम लोगों के लिए भी जनहित में जो जारी की गई है एडवाइजरी, उसमें यही कहा गया है कि आप 4 से ज़्यादा लोग किसी भी जगह पर इकट्ठे ना हो। हालांकि ऑफिशियली सेक्शन 144 जम्मू में नहीं लगाया गया है, उसके बावजूद भी ये कहा गया है कि पब्लिक गैदरिंग अवॉइड की जाए। जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हैं आप अपने हाथ धोते रहें, साफ़ सफाई मेंटेन रखें,
ताकि जिस तरह से कोरोना वायरस बाकी देशों में फैल रहा है यहाँ पर ना फैले। कई लोगों को ये दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं कि पहले 370 डाइल्यूट हुआ, उसके बाद इंटरनेट बंद हुआ, उसके बाद अब कोरोना वायरस की वजह से बिजनेसेस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन बिजनेस जानों से ज़्यादा कीमती नहीं है। जहाँ बात आती है जान की, आप इटली में हाल देखें, वहाँ पर लोग जब होम क्वारंटीन किए गए हैं तो क्या हाल है, वहाँ पर जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं क्या हाल है। दूसरा ये भी देखने को मिल रहा है कि कई लोगों ने ये कहा कि क्योंकि केसेस इसीलिए पॉजिटिव ज़्यादा नहीं पाए जा रहे क्योंकि स्क्रीनिंग प्रॉपरली नहीं हो रही, टेस्टिंग ज़्यादा नहीं हो रही, इसकी वजह से जो तादाद अभी भी है वो लिमिटेड है। इसके ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या प्रॉपरली टेस्टिंग हो रही है, क्या जितने लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए उतने लोगों की हो रही है। लेकिन ये भी मत समझिए कि अगर किसी आम शख्स को कोल्ड है, फ्लू है, तो उसे कोरोना वायरस है। बार बार डॉक्टर्स ने भी ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि हर कोई जिसे ज़ुकाम होता है वो कोरोना वायरस की टेस्ट करवाने के लिए नहीं जा सकता, इसकी वजह से लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। तो आज के स्ट्रीट लाइन लिखा जोखा में बस इतना कि अभी तक टोटल 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं और 176 लोगों ने अपना 28 डेज़ का सर्वेलेंस पीरियड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा 2478 ट्रैवलर्स और वो लोग जो कांटेक्ट में आए थे उन कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट से, उन लोगों को अंडर सर्वेलेंस रखा गया है। और टोटल 2095 लोग जो हैं अभी भी अंडर होम क्वारंटीन है जम्मू कश्मीर में। कोशिश करेंगे और भी हमें अगर अपडेट्स मिलती हैं कोरोना वायरस को लेकर तो वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँ।